नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल पर। हिंद महासागर में भारत का पड़ोसी देश नीले समुद्र के बीच और हरे भरे पेड़ पौधों से सजा ये खूबसूरत द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से सदियों से दूर दराज के पर्यटकों को लुभाता रहा है। मगर अभी वहाँ जैसी खबरें आ रही हैं उसमें शायद ही कोई सैलानी श्रीलंका की ओर जाने की सोच रहा होगा। अंग्रेजों की 150 साल की हुकूमत से 1948 में बाहर निकला श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। खाने पीने के सामान, दूध, गैस, कैरोसिन तेल और दवाओं जैसी जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। 12-13 घंटे यानी आधे आधे दिन तक बिजली गुल चल रही है। पेट्रोल डीजल के लिए ऐसी मारी मारी है कि पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़ी है। परेशान लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। वो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पिछले सप्ताह प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति के घर के बाहर धरना दिया था और उसके अगले ही दिन शुक्रवार की रात को राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश में आपातकाल लगा दिया था। वैसे तो पिछली सदी के आखिरी और इस सदी के शुरुआत के वक्त भी श्रीलंका एक संकट में घिरा था, मगर वो दूसरी तरह का संकट था। श्रीलंका में तब गृह युद्ध हो रहा था। उसमें एक तरफ जहां बहुसंख्यक सिंहला आबादी थी, दूसरी ओर तमिल अल्पसंख्यक थे। 1983 में श्रीलंका के अलगावादी संगठन LTTE और श्रीलंका सरकार के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था, जो 2009 में समाप्त हुआ था। तब महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। 2010 में हुए चुनाव में और भारी जीत के साथ दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे। 26 साल तक चले इस संघर्ष ने भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, मगर लड़ाई खत्म होने के बाद ऐसी आशा जगी कि शायद श्रीलंका में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। ऐसा हुआ भी और 2009 से 2012 के बीच श्रीलंका की GDP 8-9% की गति से बढ़ी। श्रीलंका मुख्य तौर पर चाय, रबड़ और कपड़ों जैसे उत्पादों और निर्यात करता है, जिससे उसे विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। इसके अलावा वो टूरिज्म तथा विदेशों में बसे अपने नागरिकों के भेजे पैसों से भी कमाई करता है। इन पैसों से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें आयात करता है, जिनमें खाने पीने के सामान शामिल हैं। मगर 2012 के बाद से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी, श्रीलंका का निर्यात धीमा होने लगा और आयात बढ़ने लगा, और देखते देखते देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगा। भुगतान संकट खड़ा हो गया। श्रीलंका ने बुनियादी ढांचे के लिए, विकास के लिए चीन जैसे देशों से कर्ज ले लिया, जो सबसे बड़ी गलती थी। उनकी किस्तें चुकाना भी भारी पड़ना पड़ा। इन्हीं हालत में श्रीलंका को 2016 में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास कर्ज के लिए जाना पड़ा। तब मैत्रीपाला सिरीसेना राष्ट्रपति थे और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे। स्थितियां सुधरने लगी, मगर सिरीसेना सरकार के कार्यकाल के आखिरी वर्ष में अप्रैल 2019 में कोलंबो में बम धमाके हुए, जिसमें चर्चों और लग्जरी होटलों को निशाना बनाया गया था। ईस्टर के दिन जिहादियों के इस आत्मघाती हमले में 350 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का संख्या गिरने लगी और 2019 में श्रीलंका की पर्यटन से होने वाली आय पर खासा असर पड़ा। इसके साथ ही 2019 के नवंबर में श्रीलंका में नई सरकार बनी और राजपक्षे प्रेसिडेंट बने। उनकी पार्टी SLPP ने चुनाव में दो बड़े वादे किए थे कि वो टैक्स में कटौती करेंगे और किसानों को राहत देंगे। सरकार ने इन वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाया और इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार का खजाना और खाली हो गया। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच 2020 की शुरुआत हुई। कोरोना महामारी ने दस्तक दी, जिसने हालात को बद से बदतर बना दिए। महामारी के दौर में निर्यात रुक गया, पर्यटन उद्योग ठप हो गया, विदेशों में बसे नागरिकों से मिलने वाली कमाई भी बंद हो गई। और इनके ऊपर सबसे बड़ी बात, महामारी से निपटने के लिए सरकार को खर्च, मगर इस संकट के लिए कोरोना महामारी को कसूरवार ठहराना उचित नहीं है। हर देश पर इसका असर पड़ा था। मालदीव जैसे देश भी पर्यटन पर भी निर्भर करते हैं और निर्यात भर भी, मगर उनके सामने ऐसा संकट नहीं आया। ये मामला वित्तीय प्रबंधन का है, जो श्रीलंका ने नहीं किया था। श्रीलंका की जो चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ती है, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है खाद या उर्वरक। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बीच सरकार को ऐसा लगा कि यदि खाद का आयात रोक दिया जाए तो विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। और अप्रैल 2021 में राजपक्षे ने खेती में इस्तेमाल होने वाले सभी रसायनों के आयात पर रोक लगाने की घोषणा कर दी थी। मगर उर्वरक और कीटनाशकों के आयात पर रोक का नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका में कृषि उत्पादन पर गंभीर असर पड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल फरवरी में कहा कि रासायनिक खादों पर रोक का कृषि उत्पादन पर जितना सोचा गया था, उससे भी बुरा असर पड़ा। इस नीति को पिछले साल नवंबर में वापस कर लिया गया था, मगर अब तक ये फैसला श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुँचा चुका था। श्रीलंका सरकार के सामने अब ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। भारत तो मदद कर सकता है, मगर उसकी भी कुछ सीमाएँ हैं। चीन मदद कर सकता है, मगर उसे अपने पिछले कर्ज के बकाए की भी चिंता है। बहुत ही जल्दी अब श्रीलंका को भी IMF के पास जाना पड़ेगा, और जाहिर है कि अब नए कर्ज लेंगे तो नई शर्तों के साथ आएंगे।